हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने 2-3 वीडियो अपलोड किए तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, अच्छे खासे व्यूज़ किए, उस पर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, मैंने सारे कमेंट आप लोगों के पढ़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का वीडियो को लाइक भी किया है। सो गाइस, जो है अगले सीन में आपको देखने को मिलेगा कि लावी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, घर पर बैठी रहती है, तो वो सोच रही है कि उसको अभी रिसेंटली पता चला है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब श्वेता का किया धरा है। तो वो सोचती है आज अगर श्वेता का घर पे सच्चाई सबके सामने अगर आ जाएगा तो मैं भी यहाँ से घर चली जाऊँगी और मेरे ऊपर जो कुछ भी इल्ज़ाम लगा हुआ वो सब भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी क्योंकि मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता है। तो रावी एकदम से उदास हो जाती है, गुस्से से कहती है, लेकिन मुझे क्यों वहाँ जाना चाहिए? जो फैमिली के साथ रहने की कीमत मुझे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से चुकानी पड़ेगी, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? और फिर वहीं शिवा भी रोज़ मेरे पे शक करेगा, रोज़ नए नए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा किसी नए आदमी को लेकर के। ये सब सुनने से अच्छा है कि मैं कभी घर ना जाऊँ। तो रावी ऐसा कुछ सोच रही है घर पर रह के। तो रावी भगवान के पास जाती है, बोलती है कि भगवान सब अच्छा करना प्लीज़, आज श्वेता का भंडा फूट जाना चाहिए, उसका सच सबके सामने आ जाना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो रावी बैठे बैठे वहीं घर पर सोचती है कि अभी तक तो आर्या पार का फैसला हो गया होगा, लेकिन फैसला क्या है कैसे पता चलेगा? तभी धरा वहाँ आती है, रावी धरा को देखती है, धरा के पास आकर गले लग जाती है, गले लग करके रोने लगती है। रावी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। तभी रावी बोलती है कि क्या हुआ धारा दिन, श्वेता ने फिर से सब कुछ ख़राब कर दिया क्या, कुछ तो बोलो। तभी धारा रावी से रोते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी तुझे, तू चल घर खुद ही देख ले। तभी रावी कहती है कि क्या देख लूँ, कहाँ ले जा रही हो आप मुझे? धारा बोलती है कि सवाल मत कर, बस मेरे साथ चल, सब पता चल जाएगा तुझे। तो रावी धारा से बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना घर वापस। सो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।